और दूसरी जानब 24वीं आईनी तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है। सरबराज AUI मौलाना फजलुर्रहमान एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि हुकूमत अपनी तवानाइयां गैर सियासी चीज़ों में सर्व कर रही है, ये लोगों की जानो माल के बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। मजीद बोले कि इन्हें PTI के एहतजाज का इल्म भी नहीं है। सारी चीज़ें वो हैं कि जो इनकी जिम्मेदारियों में नहीं आती और हुकूमत की तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो इस सियासत पे सर्फ हो रही है। 26वीं तरमीम से जब शक नंबर 8 आइन का निकाल दिया गया जो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालक था, ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जो कानून के ज़ुमरे में आते हैं और वो धड़ाधड़ पास किए जा रहे हों और जिसमें आइन की उस 26वीं तरमीम की रूह की नफी हो रही हो, आज हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है। जिसको जब चाहे पकड़े, 90 दिन तक अपने पास रखें, मजीद इजाफा भी कर सकें और उससे साबित करना है कि मैं मशकूक नहीं हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है।